सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज इंडिया को इस रेड बटन को दबाकर और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज इंडिया, दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर रिएक्शन वीडियो। आज जो वीडियो लेकर आए हम वो है ढाकाई सारी फुल वीडियो। सो ये वीडियो है नियोति सेवी लेमिस, मतलब लेटेस्ट बंगाली मूवी का सॉन्ग है और ये बंगाली मूवी थी आरफिन शुवो की, शायद यही नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से क्योंकि मुझे ये रिएक्शन दिया है। नियोति मूवी का नाम है और नियोति मूवी का जो सॉन्ग इसमें है आरफिन शुभो एंड जोली एंड अदर्स ने काम किया है इसमें। और इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी 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 बहुत टाइम से आ रही है, जब से हमने क्वेश्चन किया था कि और कौन शाकिब खान से जैसे एक्टर्स हैं तो जिन पे हमें रिएक्शन करना चाहिए, तो आरफिन शुभो की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो हम फाइनली उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग है वहाँ का, और व्यूज से भी पता चल रहा है, और व्यूज से पता चल रहा है। ऑब्वियसली 25 मिलियन छोटी मोटी बात नहीं है, ऑब्वियसली बड़ी बात है, तो कुछ तो किया है इन्होंने। देख लेते हैं क्या किया है और शुरू कर देते हैं। Here we go. ढाकाई सारी मतलब क्या? अच्छा ढाकाई साड़ी, साड़ी ढाका की साड़ी, ढाका की साड़ी। अरे ओह, ये अरफिन शुवो शानदार यार, सिंगल एक्टर लग रहे हैं शक्ल से। बड़ा ही फन लविंग सॉन्ग था, बहुत फन लविंग इनका। हमने वो एक ओएसटी का सॉन्ग देखा था वो ईद वाला, याद है वो तीन चार लड़का, एक दो तीन चार एक जाती है, वो वाला सॉन्ग देखा था इन्हीं का ही। तो मतलब इनका जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, मतलब चुलबुला टाइप का, या ये इनको मिलते ही ऐसा कैरेक्टर है मूवीज या ड्रामाज में, क्योंकि यार सच में इनका जो डांस था वो पूरा बोल चुलबुला अंदाज था इनके डांस में, राइट, जो इनके चेहरे से नजर आया, मतलब नटखट, जैसे इनका चेहरा आया वैसे मैं बोल रहा था कि यार बहुत चुलबुले टाइप लग रहे हैं। और इनका पहला सॉन्ग हमने देखा था ओएसटी पे, आप जाकर उसका रिएक्शन देखना चाहते हैं तो फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके फेसबुक पर देख सकते हैं, फेसबुक पर अपलोड है उनका रिएक्शन। और रिव्यू देखना हो तो आप ढूंढ सकते हैं बंगाली रिएक्शन की लिस्ट में, वो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आरफिन शुवो इज अ वेरी गुड एक्टर, एज जैसा कि लोगों ने कमेंट किया, इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं हर वीडियो में, यहाँ तक कि भोजपुरी ट्रेलर के रिएक्शन दे रहे हैं हम उस पर, ये कमेंट आ रहा है कि आरफिन शुवो के वीडियो पे कमेंट करें, तो ऑब्वियसली वो हमारे सब्सक्राइबर ही होंगे, तभी जाके उनको भोजपुरी ट्रेलर पे भी वो कमेंट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हो गई, आरफिन शुवो के सॉन्ग पर हमने रिएक्शन दे दिया। नेक्स्ट वन हु, कौन है नेक्स्ट, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई इंटरेस्टिंग सा तड़कता भड़कता अच्छा अच्छा जो आपको भी लगे कि हाँ अगर ये आपने अपलोड करा तो 10 बार तो मैं ही देख लूंगा, ऐसा कोई सॉन्ग हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, ट्रेलर हो मूवी का या कोई भी अदर वीडियो, ओएसटी हो तो ओएसटी आप हम फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं, तो वो आप ये मत भूलिएगा कि फेसबुक पे हमारा जो पेज है एम्ब्रोज इंडिया उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे जो हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज उसको जाके जरूर देखना। बाकी आप अगर बात करें सॉन्ग की, तो सॉन्ग में जो बैकग्राउंड यूज़ किया गया, सॉन्ग्स के लोकेशन यूज़ किए गए, मुझे बहुत शानदार लगे, और ख़ास करके जो लास्ट वाला था जिसमें वो जो गुलाबी कलर का शर्ट पहनी थी बैक डांसर्स ने, और ज़मीन पे भी वही कलर पड़ा हुआ था, गुलाबी था बैंगनी था, बैंगनी था शायद, बैंगनी कलर, तो वही पर्पल बोलते हैं इसको, वही जमीन पे भी पड़ा था उसी कलर के फूल थे, पर्पल कलर को काफी ज्यादा सॉन्ग में दिखाया गया है, क्योंकि फूल भी उसी कलर के थे, साइड में जो फूल जिस रस्ते पे वो शूट किया गया वो रस्ते के फूल भी उसी के थे, सब बैक डांसर्स ने शर्ट भी उसी कलर का पहन रखा था, यहाँ तक कि हीरोइन के बालों पे कुछ लगा हुआ था, मैंने उस पर भी गौर किया, वो भी उसी कलर का था, तो मतलब उस कलर से काफी अच्छा लगा वो सॉन्ग का कहीं ना कहीं वीडियो, तो ओवरऑल बहुत बहुत बेहतरीन लगा यार हमें। आप लोग बताइए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा यार, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।